खड़े हैं, कहां खड़े हैं? मुश्किलों में खड़े हैं, दुखों में खड़े हैं, तकलीफों में खड़े हैं, जिंदगी के हर सुख दुख में खड़े हैं। यूनाइटेड रहना सीखो, यूनाइटेड हमारी एकता को। दुर्योधन क्यों हारा? दुर्योधन इसलिए हार गया था क्योंकि पांडव तो बर्बाद हो गए और दुर्योधन ने पांडवों को अंडरएस्टिमेट किया कि यार सब कुछ तो मेरे पास है, किसके पास क्या है, और उसने पंगा ले लिया। जब युद्ध की घोषणा हो गई, श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, देखिए अस्त्र भी है शस्त्र भी है, लेकिन याद रखो अगर इन दुर्योधनों से लड़ना है, इन द्रोणाचार्यों से लड़ना है, इन भीष्म पितामहों से लड़ना है, इन नेगेटिविटी के कर्णों से लड़ना है, तो जाओ और पहले इस देश दुनिया के राजाओं के साथ अपनी संधि करो, एकता करो। निकले अर्जुन और भीम और लोगों से मुलाकातें की, उनको अपने साथ जोड़ा और इतिहास हुआ है, और उनको अंडरएस्टिमेट ही करता रहा और वो यूनिटी के दम पे पांच पांडवों ने पूरी महाभारत जीत ली। पूरी महाभारत एकता में शक्ति है, यूनाइटेड रहो हर हाल में। संजय सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि दुनिया में अच्छा काम करना हो तो भी, बुरा काम करना हो तो भी, काम लोग आ गए, काम लोग आ गए। यस, इसलिए कहो, लोगों को कहना सीखो, यार मुझे तेरी बहुत जरूरत है, यार बहुत जरूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदर ताकि मूर्त है, किसी और को शायद कम होगी पर इस बंदे को तेरी बहुत जरूरत है। यूं तो अकेला भी अक्सर दुनिया बदल सकता है, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो सब कुछ कर सकता हूँ मैं।